आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन तैयार किया है। इस गठबंधन की 2 बैठकें पटना और कर्नाटक में हो चुकी हैं। तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने जा रही है, जिसे लेकर जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। विपक्षी गठबंधन से जनता जल्द ही कई अहम बातों के ऐलान की भी उम्मीद कर रही है। कई नेताओं के इसे लेकर बयान भी सामने आए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन फैसला ले सकती है। इन बैठकों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी का एक बयान सामने आया है। आरएलडी नेता ने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा विस्तार से करने की जरूरत है। आई थिंक दिस नेक्स्ट मीटिंग इज गोइंग टू बी डिलिबरेटिंग ऑन द डिटेल्स ऑन थिंग्स दैट कैन बी थ्रैश्ड आउट एंड देयर ऑफ कोर्स देयर विल बी सम इश्यूज दैट नीड टू बी यू नो डिस्कस्ड एट लेंथ minutely at this point of time, which is what is the structure that we are going to go ahead with. There's so many parties and of course the doors are open for more to join in the days ahead. I feel very confident that there are other political players who will also want to position themselves and who have certain affinity on issues, on the idea of India. They will come on board. So, but at the initial stage, we do need to work out what is going to be the structure, how are we going to campaign cohesively, and also what will be the issues. I think we need to start thinking and deliberating on. बता दें कि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक पर अब सबकी निगाहें बनी हुई हैं। इस बैठक के बाद इंडिया गठबंधन के संयोजक का नाम भी सामने आ सकता है। हालांकि अभी तक नीतीश कुमार और एनसीपी नेता शरद पवार का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अजीत पवार से उनकी मुलाकातों को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। बैठक में इस पर भी चर्चा की जा सकती है। वहीं खबरों के मुताबिक इसमें इंडिया गठबंधन के लोगो और झंडे को भी लॉन्च किया जा सकता है। खैर, आपको बता दें कि आज मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया है कि वो खुद को संयोजक के रूप में नहीं देख रहे हैं और उनका मकसद केवल इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है।